उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ और खासकर अपहरण की घटनाओं को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठाई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिगड़े कानून व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था पर संकट बना हुआ है। अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार के कारण ही कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से हटकर जब दूसरे कामों में उलझती रहती हैं, तो इस तरह के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में अपहरण कर 14 वर्षीय बलराम गुप्ता की हत्या के बाद अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए। सपा की मांग है कि सरकार को कम से कम 50 लाख रुपए देने चाहिए। कानपुर में संजीत यादव की हत्या मामले में भी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। अब अखिलेश यादव ने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि सूबे की योगी सरकार अखिलेश के इस बार पर क्या प्रतिक्रिया देती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।